दोस्तों, मैं हूँ ममता। सिग्नेचर फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ शहर की मिसेस मुंद्रा। तो चलिए उनसे जानते हैं कि आज हमें वो कौन सी डिश बनाने वाली है। तो आप हमें कौन सी डिश आज बताने वाली हैं? मैं बताने वाली हूँ, साउथ इंडियन डिश है, अपालू बोल के है। वो संक्रांति में बनती है। संक्रांति वहाँ का, आंध्रा का बहुत बड़ा पर्व है, तो वहाँ पे अपालू और सकनियाल बनती है, तो जिसमें एक चीज है अपालू। तो वो मैं आपको चावल के आटे का बनाना बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मिसेस मुंद्रा के किचन में और जानते हैं कि अपालू की रेसिपी कैसी है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए, तो हम आ चुके हैं मिसेस मुंद्रा के किचन में। तो चलिए जानते हैं कि अपालू की रेसिपी कैसे बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लगेगा मैम? चावल का आटा लगेगा 2 कटोरी, उसमें स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार मिर्ची, थोड़ी सी चना दाल बिना भिगी हुई, थोड़ी सी तिल्ली, थोड़ी सी फल्ली दाना भुना हुआ छील के। जी, तो इंग्रेडिएंट सारे हम देख रहे हैं कि इसमें कैसे डालना है आटे में। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता, इसमें मीठा नीम का ज़्यादा है, कड़ी पत्ती, मीठा नीम का थोड़ा सा ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है ये डालने से। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा तिल्ली, अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट है थोड़ा, आधा चम्मच के करीब पीसा हुआ डालिए। इसमें अदरक और हरा मिर्च पीसा हुआ है जी। फिर इसको मिला के इसमें फिर पानी डाल के नरम नरम गूंथ ले। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं हम, पूरे हम डाल चुके हैं और उसे सीमा जी पूरे मिला रही हैं ताकि वो अच्छे से मैश हो सके। तो चावल के आटे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले थे वो सारे अभी मैश हो रहे हैं। इसमें पानी हम कितना डालेंगे? ये जितना इसमें पानी खपेगा जी। सीमा जी, इसमें कितना वक्त लगेगा इसको गूंथने में और इसे कैसे गूंथना है? इसको नरम नरम गूंथना है जी, एकदम कड़ा भी नहीं होना, एकदम नरम भी नहीं होना जी। इस टाइप का पूरा मिक्स हो जाए एकदम ऐसे। इसको गूंथने में कितना मतलब टाइम कितना लगेगा इसमें? 5 से 7 मिनट लगेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि सीमा जी इसे गूंथ रही हैं, बिल्कुल नरम इसे रखना है, ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ऐसे इस तरीके से इसे गूंथना है। ये आटा गुथा गया है, गूंथ के ये तैयार हो गया है। इसकी छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। गार्निश के लिए थोड़ा सा तेल ले लेंगे जी। अब ये गोलियां बन चुकी है जी। एक गोलियों को अब पूड़ी की मशीन में बेलेंगे जी। पूड़ी बेलने की मशीन है, इसके ऊपर प्लास्टिक लगा के करना है जी। क्योंकि नहीं तो इस पे करेंगे तो चिपकेगा ये जी। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, इसको प्रेस करेंगे, इसको ऐसे पूड़ी बेलने की मशीन से करके हमें इसको पेपर पे थोड़ा सुखा देंगे। देख सकते हैं कि पपड़ी तैयार है और इसमें हमें इतना तेल लेना है डीप फ्राई करने के लिए ताकि ये अच्छे से तला जा सके। तो ये पपड़ी तैयार है, देख सकते हैं सीमा जी ने अभी पपड़ी बनाई है इस मैश से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। अब इसको डीप फ्राई करेंगे, तेल अच्छा गरम चाहिए जी। गरम तेल में डालेंगे जी। उसमें जितना आए उतनी पपड़ी डालते हैं, 4 पपड़ी बस, 3 या 4। तो ये पपड़ी तेल में डाल चुके हैं हम, पैन में इसे डाल चुके हैं। इसे कितनी देर तक पकाना है? ये रेडीस होने तक जी। ये रेडीस हो जाएगा तब तक के इसको करना है, इसको तेज आंच पे करना है। अब आलू बनने का जो प्रोसेस है वो लगभग आधा पूरा हो चुका है और हम देख सकते हैं कि इसे सीमा जी कैसे फ्राई कर रही है। इसे डीप फ्राई करना है हमें और ये देख सकते हैं कि रेडिश होने तक पपड़ी को हमें फ्राई करना है और इसमें कलर भी बहुत ही प्यारा आ रहा है, देख सकते हैं हम। फिर ये क्रिस्पी बनेगा जी। इसको नाश्ते में, चाय के साथ में। आप आलू की जो रेसिपी है ये आपने कब बनाना स्टार्ट की? मैं एक्चुअल में आंध्रा में रहती थी जी। वहाँ से मैं सीखी वहाँ पे बनाना। लगभग साउथ इंडियन डिश है, लगभग मेरे को 20 साल हो गया है बनाते हुए। घर में इसे पसंद करते होंगे, बाकियों को भी बना के खिलाई होंगी। हाँ, तो अपालू को जो है हम देखते हैं कि मकर संक्रांति में इसे स्पेशली बनाया जाता है और सीमा जी जैसे कि आंध्रा में रह चुकी हैं तो ये साउथ इंडियन डिश है और ये देखिए कितना सुनहरा सा कलर आ रहा है। इसे हम घर में नाश्ते में तौर पे चाय के साथ ले सकते हैं। ये लगभग पूरा हो चुका है। हाँ, बस रेडिश कलर हो गया है,
ये कलर में निकालेंगे। तो ये लगभग पूरी तरीके से तैयार हो गया है, इसे हमने डीप फ्राई कर लिया। ये अपालू बन के रेडी है जी। ये क्रिस्पी क्रिस्पी है, चाय के साथ खाइए इसको, तो लाजवाब है। साउथ इंडियन डिश हमने सुना अपालू, जो सीमा जी ने अभी बनाया है वो बिल्कुल रेडी है, और इसे हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। इसे हमें रेड होने तक इसे पूरा तलना है, डीप फ्राई करना है। बिल्कुल रेडी है हमारे सामने अपालू, तो चलिए हम इसे टेस्ट करते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। चलिए, तो सीमा जी ने जो अपालू बनाया है उसे मैं टेस्ट करके देखती हूँ, क्योंकि आज का हमारा सिग्नेचर फूड है अपालू। बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, जैसे कि सीमा जी ने इसे डीप फ्राई किया हुआ था, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आ रहा है इसका। अब आप देख सकते हैं कलर इसका, तो बहुत ही अच्छी डिश है सीमा जी। आज का हमारा सिग्नेचर फूड था अपालू, जो मिसेस सीमा मुंद्रा ने बनाया था। तो थैंक यू सो मच हमें अपने घर बुलाने के लिए सीमा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जो आए मेरे डिश को सराहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को भी। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. CLIPPER28.